क्वेश्चन नंबर 27, दिस इज जस्ट अ रिवीजन रिवीजन ऑफ ग्राफ्स। देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ यू पीपल दैट द हाउ वी कैन मेक ए ग्राफ फ्रॉम अ जेडसन लिस्ट। सो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल व्हिच वी एक्सप्लेनिंग द जेडसन लिस्ट विद अ ग्राफ एंड देयर एजेस। सो हियर यू कैन सी दैट वी हैव द वर्टिसेस v1 to v5 in a horizontal and vertical way to express the matrix। ठीक है, तो यहाँ पे हमें vertices हमने यहाँ पे mark कर ली हैं। जितने हमारे पास nodes होते हैं या vertices होते हैं उसके cross हम matrix बना लेते हैं। जैसे ये 5 है तो 5 × 5 के हम जो है वो मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि आपके सामने है। यानी टोटल इसके अंदर इस मैट्रिक्स में 25 एंट्रीज होंगी। तो उन 25 एंट्रीज में से अगर हम देखें तो V1 और V1 के दरमियान जो है V1 और उनके बाकी तमाम वर्टिसेस के दरमियान जो जो एज अनेबल है वो 1 होगा और जो अनेबल नहीं है वो 0 होगा। जैसे V1 से V1 के दरमियान है तो ये वर्टिस अवेलेबल। ठीक है, इसी तरह से V1 से V2 अगर अवेलेबल है तो वो हमारे पास क्या होगा, उसके हमने cos 1 शो किया और यहाँ पे हमने उसको ड्रॉ भी कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से V1 से V3 नहीं है तो इसमें के ये एडजेसेंट नहीं है उसका, तो कहीं पे भी हम इसका नोड जो है वो शो कर देंगे। और V1 से लेकर V5 जो है वो नहीं है तो इसमें के ये भी कहीं पे भी V5 शो कर देंगे, लेकिन ये एडजेसेंट टू V1 नहीं होगा। यानी V1 से डायरेक्ट जो एच है वो V5 और V3 के पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर हम V2 के पास जाए तो V2 से हमारे पास फिर कुछ एचेस हैं जो कि V1 और V4 सिर्फ। यानी V2 से सिर्फ आप देख लें V1 अटैच है और V4 अटैच है, बाकी सारे ऑफ हैं। इसी तरह अगर V3 को देखा जाए तो इससे हमारे पास सिर्फ दो जो है वो V4 एंड V5 अटैच है। ठीक है, तो इसमें के V4 के साथ अगर है तो वो ये लिंक है और अगर V5 के साथ है तो वो ये लिंक है। ठीक है, इसी तरह V4 देखा जाए तो इसके सारे जितने भी एजेस हैं इवन इसका सेल्फ एज भी ऑन है। देख लें यहाँ पे, आप देख लें कि V4 सबसे ज़्यादा कनेक्टेड ग्राफ है और ये V1 से भी कनेक्ट है, V2 से भी कनेक्ट है, V5 से भी कनेक्ट है, V3 से भी कनेक्ट है और इस तरह से जो है सारे वर्टिसेस इसके साथ जो है वो कनेक्ट है। उसके बाद आ जाता है V5। V5 सिर्फ V3 और V4 के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोगों ने इस वर्टिस से उस ग्राफ को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ मैट्रिक्स हो तो हम ग्राफ भी बना सकते हैं। दिस इज अनदर एग्जांपल, यहाँ पे आपको वर्टिसेस गिवन है और एक तरफ एजेस गिवन है। ठीक है, इस तरह से भी एग्जांपल आपको गिवन हो सकती है कि आप उसे वर्टिसेस से एजेस बनाएं। तो आप देख लें कि V1 से हमारे पास कौन कौन से एज हैं, E1 और E2 ऑफ है, E3 ऑफ है, E4, E5 और E6 ऑन है। तो ये देखें हमने V1 से जितने वर्टिसेस ऑन है इसमें के वो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, जैसे E1, E4, E5, E6। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास E2 और E3 से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इस वजह से वो ऑफ है। इसी तरह E2 से अगर हम एड्रेस देखें तो E1, E2, E3 बन रहे हैं और बाकी 3 ऑफ है। ठीक है, E2 से अगर हम देखें तो B2 से हम देखें तो हमारे पास E1, E2 और E3 ये ऑन है, बाकी सबसे कोई हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, इसी तरह V3 से देखें, V3 हमारा E2 से कनेक्ट है, E3 से कनेक्ट है और E4 से कनेक्ट है और बाकी सब इसके E6 से भी है और बाकी जो है वो सिर्फ ये E1 और E5 से कनेक्ट नहीं है। ये V4 को देखा जाए तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ E5 से कनेक्ट है। तो V4 आप देख लेंगे सिर्फ एक एज है जो E5 से कनेक्ट है। तो इस तरह से आपको एजेस और वर्टिसेस भी दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि ये ग्राफ इस तरह से बिल्ड करें।
देखिए भाई, हमारे पास एक एडजेसेंट मिक्स होता है। सबसे पहले इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे और इनके साथ में हॉरिजेंटल में और हॉरिजेंटल वर्टिस लिख देंगे और हॉरिजेंटल लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा कनेक्शन किसके साथ ऑन है। वी वन जो है वो वी टू और वी फोर के साथ कनेक्ट है, तो देख लें वी वन जो है हमने वी फोर और वी टू के साथ कनेक्ट कर दिया। इसी तरह वी टू जो है वो 5 9 7 यानी जिन वर्टिक्स के साथ कनेक्ट है उनके साथ हम ज्वाइन कर देंगे। वी टू देख लें 5, वी थ्री और वी फाइव 5 के साथ कनेक्ट है। इसी तरह वी थ्री जो है वो 9 9 के साथ वी टू और वी फाइव के साथ कनेक्ट है, तो वो हमने वी थ्री को देख लिया, दोनों के साथ हमने 9 9 के साथ कनेक्ट कर दिया। इसी तरह वी फोर जो है वो वी वन 6 और वी फाइव 5 के साथ कनेक्ट है, तो देख लें कि वी वन से एक हमारे पास वी फोर से एक 6 पे जा रहा है और एक 5 पे जा रहा है। इसी तरह वी फाइव जो है इसके पास वी वन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, उसके बाद वी टू से 7 है जो कि ये वाला एच है। इसी तरह वी से 3 से 9 है तो वो ये एच है, ठीक है। और वी फाइव से 5 वी फोर तक 5 है तो वो ये एच है। तो इस तरह से भी हम इसको एडजेसेंट मैट्रिक्स को कन्वर्ट करके ग्राफ तक पहुंच सकते हैं। ये डायरेक्टर की ग्राफ की एग्जांपल है, देख लें यहाँ पे हमने डायरेक्टर में समटाइम ये होता है कि आपके पास पाथ्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ये गिवन हो, ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम वर्टिसेस के साथ मैच कर देंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हम वर्टिसेस को लिख लेंगे और फिर वहाँ से हम ये ग्राफ जो है वो डिवेलप कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने पीछे किया है। जैसे वी वन जो है यहाँ पे इसके साथ 2 के साथ कनेक्ट है, वी टू और वी फोर के साथ, वी टू देख लें इस तरह से आउट गोइंग के साथ आपने शो कर दिया, ठीक है। इसी तरह से वी टू जो है वो वी थ्री और वी फाइव के साथ कनेक्ट है, तो आपने वी टू से वो शो कर दिया कि वी फाइव की तरफ भी है और वी थ्री की तरफ भी है इनकमिंग एरोस के साथ। इसी तरह वी थ्री जो है वो सिर्फ ओनली वी फाइव से कनेक्ट है, तो आप देख लें कि इसका एक ही आउटगोइंग आपने शो किया और एक इनकमिंग जो शो किया वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि वो उससे जा नहीं रहा था, ठीक है। इसी तरह वी फोर जो है वो सिर्फ वी फाइव के साथ कनेक्ट है, तो वी फाइव को सिर्फ और सिर्फ वी टू से है जो वी फोर के साथ सॉरी कनेक्ट कर दिया हमने, वी फोर को वी फाइव के साथ इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया। और लास्ट वी फाइव किया सिर्फ वी टू से आउटगोइंग वाले को शो कर दिया, इनकमिंग वाले को हम इसमें शो नहीं करते। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ को मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं और किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ये उसकी एग्जांपल थी। अगेन ये एक और एडजेसेंट मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसको आप अगेन इस तरह रो कॉलम में चेंज कर, ठीक है, और फिर आप इसको एरो से वैसे ही मेंशन करना शुरू कर दें जैसा अभी हमने मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको करवाया कि वी वन इनके। अब यहाँ पे ये है कि 0 1 नहीं गिवन बल्कि वेट्स गिवन है, तो समटाइम जब आपको एजेस के साथ वेट गिवन होते हैं तो जो जो एज ऑन होता है वहाँ पे हम उसका वेट मेंशन कर देते हैं। जैसे ये मेंशन है कि वी वन जो है वो अगर वी टू से कनेक्ट है तो वो 10 वेट के साथ कनेक्ट है, इसी तरह वी वन जो है वी फोर के साथ कनेक्ट है तो 9 वेट के साथ कनेक्ट है। तो इस तरह से भी हम सारा शो करते हैं। इसमें सिर्फ हम इनकमिंग एरोस को ही शो कर सकते हैं, देख लें जितने भी इनकमिंग्स हैं सिर्फ वही हम यहाँ मेंशन करते हैं। तो दिस इज अनदर एग्जांपल कि आप इससे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को। अब एक एग्जांपल में इन्फिनिटी गिवन था, तो ये आप देख सकते हैं कि ये देखें ये ग्राफ को 0 1 से शो किया और इसी ग्राफ को फिर वेट के साथ और इन्फिनिटी और जो जो आपके पास डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट नहीं उन सबको इन्फिनिटी आप शो कर देते हैं। जैसे अगर आप पहले ग्राफ और दूसरे ग्राफ में देखें तो फ़र्क कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप देखें पहले में देखें कि 0 से अगर आप जा रहे थे 1 पे और 4 पे जा रहे थे तो ये आपने ऑन कर दिए, यानी आप इसको अगर मैनिपुलेट करते हैं तो वेरी इजी आपके पास 0 1 2 3 और 4 वर्टिसेस है। इसी तरह 0 1 2 3 और 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो एरो जिस तरफ जा रहा है इनकमिंग हो रहा है वहीं पे आप देखें 0 से लेकर 1 तक आपका इनकमिंग था, ये शो कर दिया। 0 से 4 तक है, ये शो कर दिया, ठीक है।
इसी तरह वन जो है वर्टिस जो वन है आपके पास, ये आप वर्टिस वन ऐसे कह सकते हैं, ये आपके पास वर्टिस जीरो थी, ठीक है। वर्टिस वन जो है ये फोर की तरफ जा रही है, थ्री की तरफ और टू की तरफ, देख लें तीनों इस वक्त ऑन है, ठीक है। अब अगर हम आ जाते हैं वी थ्री के पास, तो वी थ्री सॉरी वी टू के पास, तो आप देख लें वी टू में कोई भी कनेक्शन जो है वो ऑन नहीं है, इसमें कि यहाँ पे कोई भी इनकमिंग जो है, इनकमिंग तो सब आ रहे हैं, आउटगोइंग कोई भी नहीं है, यानी टू किसी को भी आउटवर्ड जाके कनेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। थ्री को देखें तो थ्री से हमारे पास टू के लिए है, तो सिर्फ वही वाला ऑन किया गया। इसी तरह लास्ट फोर वाले को देखें तो वो सिर्फ थ्री से ज्वाइन है, जैसे हमने ये शो कर दिया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ग्राफ की मैट्रिक्स है, इस तरह से इसे डेवलप करते हैं, ठीक है। एक और तरीका ये हो सकता है कि आपको वेट्स गिवन हो, अगर वेट्स गिवन है तो आप देख लें कि सब जगह जहाँ वेट्स गिवन थे आपने जहाँ जहाँ वन था वहाँ वहाँ उसका वेट मेंशन कर दिया, और बाकी जगह जहाँ ज़ीरो था वहाँ पे आपने इन्फिनिटी शो कर दिया। तो यानी इसको भी ये दोनों एक्सप्रेस करने का सेम तरीका ही है, लेकिन सिंपल ये यहाँ पे आपको वेट गिवन थे तो जहाँ वेट नहीं थे वहाँ आपने इन्फिनिटी कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि जब आप उसे डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट नहीं है तो उसमें आप उसको इन्फिनिटी से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अनदर वे टू शो द मैट्रिक्स इन एडजेसेंट लिस्ट। इस ग्राफ में मैं आपको थोड़ा सा BFS और DFS का याद आने कराने के लिए मैंने मेंशन किया, और आपके पास था DFS, ठीक है। जब आप DFS करते हैं, ठीक है, एक तो ये होगा कि मैं ऐसे कहूँ कि आप जो है मुझे न्यूमेरिकली शो करके दिखाएं, तो यहाँ पे तो ज़ीरो इस जगह से अगर हम स्टार्ट करते हैं, सपोज रूट लेते हैं, तो वहाँ तो ये इतना दूर है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें अगर आप सपोज DFS अप्लाई करते हैं तो वो कैसे होगा कि अगर हमारे पास स्टार्टिंग ज़ीरो है तो ज़ीरो से देख लें हमारे पास दो रूट्स जा रहे हैं, ये जा रहा है ये जा रहा है, तो उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें ये कहा जाए कि शॉर्टेस्ट ही आपने करना है तो फिर हम 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम 6 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, सपोज मैं 5 ले लेती हूँ तो 5 पे पहुँचेगा, ठीक है, स्टैक में पुश होगा, फिर 2 पे जाएगा, ठीक है, 2 पे जाने के बाद किस पे जाएगा, 3 पे, फिर 3 से 7 पे, और फिर किस पे जाएगा, 8 पे, ठीक, 8 पे चला गया। अब 8 पे जो है वो कोई भी आउटगोइंग एरे नहीं है, इसमें कि यहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा और हमें कुछ वैल्यूज़ को क्या करना पड़ेगा, पॉप करना पड़ेगा। अब वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, ज़रा है DFS स्टैक है तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू को ही पहले वो पॉप करेगा, तो वो क्या होगा, ये 8 को पॉप कर देगा, फिर 7 से जैसे कोई नहीं इसको भी पॉप कर देगा, फिर हम 3 पे पहुंचेंगे, ठीक है। 3 पे पहुंचेंगे तो 3 से नेक्स्ट एक हमारे पास 8 है, वो पहले भी ट्रैवर्स हो चुका है, तो वो फिर दोबारा से हमें 3 भी पॉप करना पड़ जाएगा, क्योंकि 3 से इनकमिंग तो और कोई नहीं है, ठीक है। फिर हम किस पे पहुंचेंगे, 2 पे पहुंचेंगे, तो 2 को भी हमें और आउटगोइंग एरे अवेलेबल है, वो है 6, इसमें कि हम यहाँ से 2 से 6 के ऊपर भी जा सकते हैं, तो हम पुट क्या कर लेंगे, फिर इतने ज़्यादा इन सब को पॉप करने के बाद 3, 7, 5 को हमारा नेक्स्ट जो होगा वो होगा 6, 6 से ऑनवर्ड हम किसको पुट करेंगे, 4 को, और 4 से किसे, 9 को, 9 तक पहुँचेंगे तो डेड एंड आ जाएगा, फिर दोबारा हम पॉप अप करेंगे, 9 को पॉप करेंगे, 4 को पॉप करेंगे और 6 को पॉप करेंगे, फिर अगेन इन सब का रूट 2 था उसको पॉप करेंगे, और फिर 5 को पॉप करेंगे, और 0 को इस तरह सारे ट्रैवर्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक DFS करने का मेथड है इस तरह के ग्राफ के लिए, ठीक है। अगर यही एग्जांपल हम मैं BFS से करूँ इससे, तो फिर क्या होगा कि मुझे 0 अगर से अगर मैं स्टार्ट करना है तो सारे इसके एडजेसेंट पहले मेरे पास क्यू में 0 जाएगा, 0 जैसे ही आउट होगा इसमें के सारे एडजेसेंट आ गए, तो कितने एडजेसेंट है इस वक्त, 5 और 6 दोनों ले लें, ठीक है। जो पहले इंसर्ट करेंगे वही पहले आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये DFS है। तो यहाँ पे 5 के एडजेसेंट क्या है, सिर्फ 2 है,
जब हम 5 को आउट करेंगे तो उसका एडजेसेंट मेंशन कर देंगे, इसी तरह जब 6 का एडजेसेंट करेंगे मेंशन वो हमारे पास आ जाएगा 4। उसके बाद हम 2 से एडजेसेंट देखेंगे तो 3 है, उससे पहले उसको आउट कर देंगे, इसी तरह से 4 से एडजेसेंट हमें 9 मिलेगा तो हम उसे लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से 3 से एडजेसेंट हमारे पास 7 है तो उसको आउट करने से पहले हम 7 मेंशन कर देंगे, और फिर 9 से एडजेसेंट कोई भी नहीं है वो आउट हो जाएगा या पॉप हो जाएगा, 7 से एडजेसेंट करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह सारे ही टेवर्स हो चुके हैं और आखिर में 8 भी पॉप हो जाएगा तो सब भी एम्प्टी हो जाएगा। तो ये एक तरह से भी LDFS और DFS को करने का, ये अगर आपको ये एग्जांपल दे दी जाए DFS और BFS एम्प्लाई करने के लिए तो आप कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारा ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट है तो 0 से हम 1 टेवर्स करेंगे, फिर हमारे पास यानी DFS का हमारे पास क्या है, DFS के लिए सबसे पहले हमने रूट नोड डाला, फिर हमारे पास 1 आएगा, 1 से आगे कोई 2 है और 6 भी है, दोनों पाथ कर सकते हैं। सपोज हम 2 ले लेते हैं और 2 से आगे हमारे पास कोई पाथ नहीं है क्योंकि सारे ही 2 के ऊपर इनकमिंग एरर्स हैं, तो हम वापस जाएंगे 2 को पॉप करेंगे 1 से, हमारे पास नेक्स्ट पाथ एक हमारे पास 5 का है, ठीक है। सपोज हम 5 पहले ले लेते हैं, फिर हमारे पास 6 आ जाता है, इसी तरह 6 से हम 3 पे जा सकते हैं और 3 से हम 7 पे जा सकते हैं। अब 7 के पास पहुँचे तो दोबारा 6 पे आने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो 6 ऑलरेडी हमारे पास है तो फिर ये पॉप होगा, ये भी पॉप होगा, और 6 से ऑनवर्ड 2 ऑलरेडी हो चुका है वो भी पॉप होगा, 5 से ऑनवर्ड हमारे पास 4 है तो वो हम मेंशन करेंगे, 4 से आगे हमारे पास 0 पहले ही हो चुका है तो 4 भी पॉप हो जाएगा, एंड देन फिर 5 पॉप होगा और आखिर में 0 पाएंगे। ये आपका मेथड है इसको करने का, यानी जब तक आपके पास एडजेसेंट लिस्ट रहती है आप उस वक्त तक ट्रैक करते चले जाते हैं। ये इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि अगर आपको DFS और BFS से गिवन हो तो इसका क्या मैकेनिज्म आएगा, ठीक है। यह मैं आपसे पूछूंगी क्लास के दौरान कि अगर इसको आप ट्रैक करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। 2 इसमें कितनी दफ़ा रिपीट होगा या 3 कितनी दफ़ा रिपीट होगा या 4 कितनी दफ़ा रिपीट होगा, तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। ये फ्रेम्स ऑफ क्लासिकल के लिए कुछ मैं आपकी एग्जाम्पल दोबारा रवीन के लिए देख रहे हैं कि अगर आपके पास ये ग्राफ हो, ठीक है, तो इसमें आपके पास वो स्टार्टिंग 1 है, अगर फ्रेम से अगर आप स्टार्ट करें तो आप सबसे पहले मिनिमम क्या लेंगे 2 तक, उसके बाद क्या होगा 2 के पास पहुँचेंगे यहाँ पे पास 1 है और यहाँ पे 3 है तो ये कनेक्ट होगा, तो ये है ही ग्राफ में 3 वर्टिस हैं तो 2 है जिसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक तरह से इसका सोल्यूशन है कि इस तरह से हम इसको फ्रेम्स को शो कर सकेंगे। अगर क्रस्कल होता तो फिर हम कैसे करते कि हम पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेते तो तब भी यही पहले आता और यही बाद में आता और फिर फिनिश हो जाता, तो दोनों के केस में आंसर सेम रहेगा और दोनों की लेंथ जो है वो 5-5 हो जाएगी। समटाइम फ्रेम्स और क्रस्कल जो है वो आपके पास मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह ये होती है कि कुछ नो या कुछ वर्टिसेस रीचेबल नहीं रहते। और देखें एज नो नोड इज रीचेबल फ्रॉम नोड 4 एंड प्रिंस एल्गोरिथम अज्यूम दैट एवरीवन इज रीचेबल ड्यू टू व्हिच इज फेल टू डायरेक्टेड ग्राफ, तो सम टाइम प्रिंस एल्गोरिथम जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ में फेल भी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से देख लें कि कोई भी 4 तक रीच नहीं कर रहा, तो इस तरह के ग्राफ के अंदर जो है आपके पास जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपके पास जो है वो रीचेबल नहीं रहता, तो कोई ऐसा नोड जो नोड 4 से कोई भी रीचेबल नहीं है तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा या उसके लिए हमारे पास ग्राफ में कनेक्शन बनाना मुश्किल हो जाएगा। इस ग्राफ में समटाइम आपके पास क्रस्कल भी फेल हो जाता है कुछ डायरेक्टेड ग्राफ में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 से हमारे पास 4 और उसके बाद 3 जो है वो 2 से कनेक्ट है जबकि 4 नहीं है, तो इस तरह के ग्राफ में जिसमें जैसे वो कह रहा है देयर इज नो साइकिल इन द डायरेक्टेड बट क्रस्कल अज्यूम दैट
एक्सेकल बाई यूनियन फाइंड मैथड ड्यू टू विच क्लस्टर फेल फॉर डायरेक्ट ग्राफ सम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये मसला आ सकता है। रिविजिबल इन द ग्राफ नोड नोड इज रीचेबल फ्रॉम नोड 4। तो डायरेक्ट ग्राफ के अंदर भी सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब कोई नोड रीचेबल नहीं रहती और कोई और रास्ता भी नहीं है, तो फिर वो हमारे पास डायरेक्ट ग्राफ में हम उसे कह सकते हैं कि वो क्रस्किल के लिए फेल हो जाता है। इन क्रस्किल एल्गोरिथम इन ईच स्टेप इट इज चेक दैट इफ द एज फ्रॉम द साइकिल विद द स्पैनिंग ट्री फॉर्म सो फार, बट द क्रस्किल फेल टू डिटेक्ट द साइकिल इन ए डायरेक्टेड ग्राफ एज देयर आर द केसेस व्हेन देयर इज नो साइकिल बिटवीन द वर्टिसेस, बट क्रस्किल जो है वो अज्यूम इट टू बी अ साइकिल एंड डज नॉट टेक कंसिडर सम मेजर्स ड्यू टू विच क्रस्किल फेल फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है कि किन सिनेरियोस में क्रस्किल जो है वो फेल हो सकता है। ये आपको डायरेक्शन के लिए मैंने एक एडजस्टमेंट मैट्रिक्स से प्रिम्स और क्रस्किल करने के लिए दिया था। ठीक है, तो ग्राफ इसका ये मैंने बिल्ड करके रखा हुआ था कि ये हमारे पास वर्टिस V1 है और वर्टिस जो है V2 जो है वो ये है और ये वर्टिस जो है वो V3 है, ये V5 और V6 है। इसको आप इस तरह ज्यूम करें तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा कि देख लें जहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी है इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली एडजेसेंट जो है वो कनेक्शन नहीं है। जैसे वर्टिसेस V5 और V6 जो है वो V1 से जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, इस वजह से मैंने इनको इस तरह से मेंशन किया है। आप जैसे 6 में देख लें कि ये जो है वो इसके लिए जो है वो V6 जो है वो इन्फिनिटी है, तो इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप वर्टिसेस V1 V2 V3 V4 V5 लिखेंगे और यहाँ पे भी आप V1 V2 V3 V4 एंड V5 मेंशन करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि V1 से जो है कनेक्शन V यानी कोई सेल्फ साइकिल, अगर ये सारा डायगनल जीरो होता है इसका मतलब है कि सेल्फ साइकिल अवेलेबल नहीं है। V1 से हमारे पास V2 तक जो है वो 1 है, देख लें ऐसे ही मेंशन किया है मैंने ग्राफ में, देख लें ये चीज़। इसी तरह से V1 से V3 तक 3 देख लें ऐसे मेंशन किए और बाकी दो इन्फिनिटी पे हैं V1 से, इसलिए हमने उसके वेट शो नहीं किया। इसी तरह V2 जो है वो V1 से 1 है, वो ऑलरेडी मेंशन है। V2 से 0 है क्योंकि सेल ग्राफ नहीं है और V2 V3 के दरम्यान 3 क्या है वो हमने यहाँ पे वट शो कर दिया। इसी तरह से जो है वो V2 से V4 के दरम्यान हमारे पास 6 है, सॉरी ये मैंने V4 लिखना था और ये V5, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये 6 है। इसी तरह बाकी आप प्रोसीड करके इसको बना सकते हैं, एग्जैक्टली यही शेप आपकी बनेगी और यही ग्राफ आपके पास बनेगा, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक प्रिम्स गिवन है एल्गोरिथम और यहाँ पे आपको इससे ए से स्टार्ट करना है और आपने मुख्तलिफ जो है वो उसका प्रिंट का सोल्यूशन भी मैंने आपको शो किया हुआ है और क्रस्किल का भी आपने ये खुद बना के वेरीफाई करना है और इसकी लेंथ बतानी है कि दोनों ग्राफ की लेंथ क्या होगी। जी V1 यहाँ पे आप सोर्स लेंगे, ठीक है, ये ऑलरेडी इसका आंसर अवेलेबल है कि जब आप इसको मिनिमम या शॉर्टेस्ट करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप इस पे जाएंगे, फिर यहाँ तक देखें यहाँ तक पहुँच गए हैं आप V5 से हमारे पास और V1 से दोनों से देखेंगे शॉर्टेस्ट कहाँ पे है, तो V4 के पास है तो वो यहाँ तक पहुँच जाएगा और फिर V4 से हमारे पास ये तीनों कैंडिडेट है V1 V5 और V4 के कहाँ से कोई भी मिनिमम है, तो सबसे मिनिमम जो है वो ये V3 से जा रहा है। तो इस तरह से हमने सारे वर्टिसेस को मिनिमम जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ से कनेक्ट कर लिए। ये एक और एग्जाम्पल है जस्ट शॉर्टेस्ट पाथ शो करने के लिए। ये छोटी मोटी रिवीजन्स थी, इससे होपफुली आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी और आगे वाले रिवीजन्स लेक्चर में अगले वाले टॉपिक्स में से मैं कुछ चीज़ें सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए नोट करूँगी इंशाल्लाह।